इस वीडियो में आपको कपल स्पेशल हाइपर ओएस थीम यानी कि MIUI फ्री थीम्स दिखाने वाला हूँ। टोटल 14 थीम्स रहेगा। पहला जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, कुछ इस टाइप का है। क्लॉक विजेट चेंज है, कपल है इधर, कपल स्पेशल है तो कपल तो रहेगा ही। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगा। आप फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक जो भी आप यूज़ करते हो उस प्रकार से ही है। वॉलपेपर होम स्क्रीन में भी सेम है। आइकॉन स्पैक की बात करें तो चेंजेस है इधर, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में देख ही सकते हो। इस थीम का जो नाम है आपको थीम शो में सर्च करना होगा। उससे पहले बोला चाहूँगा कि इसमें कोई भी कंट्रोल सेंटर और सेटिंग यूआई चेंज नहीं है। आपको सर्च करना होगा कपल डांसिंग, तब को पहले ही ऑप्शन में दिखेगा। 6.4 MB का है, इसके ओनर है। और इसे भी Xiaomi, Redmi या फिर पोको फोन में फ्रीली डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे हाइपर ओएस लेटेस्ट वाला या फिर पुराना MIUI क्यों ना चलता हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस तरह का है। इधर भी आपको वेडनेसडे फेब्रुआरी जो मंथ दिखता है अलग टाइप का है। क्लॉक विजेट आपको नीचे दिखेगा, काफ़ी अच्छा लगा देखने में इस तरह का है। ये भी स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे भी आप अनलॉक करते हो इसका एक एनिमेशन भी है। जैसे आप इस प्रकार से ऑन करोगे तो ये एक प्रकार से करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए फिर से जब आप पहले से करोगे शुरुआत से इस टाइप का। अनलॉक करने के बाद सेम वॉलपेपर आपको होम स्क्रीन में भी दिखेगा। इसका आइकॉन पैक मुझे काफ़ी पसंद आया, इस तरह से चेंजेस है। इस थीम का जो नाम है आपको थीम शो में सिंपली सर्च करना होगा लव हग, तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा। 6.5 MB का है, इसके ओनर है। मैं सभी आपको सर्च करके नहीं दिखाऊंगा, आप सेम टू सेम यही लिखिएगा तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा। तीसरा जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस तरह का है। आपको थोड़ा नाइट जैसा फील आएगा। ऊपर आपको चांद है, क्लॉक वगैरह चेंज है, इधर भी आप डेट वगैरह देख सकते हो। अच्छा लग रहा है देखने में, स्टाइलिश भी है और खूबसूरत भी है। कपल जैसा आपको फील आएगा देखिए इस तरह का। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। आइकॉन्स की बात करें तो ये भी चेंजेस है। थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा नाइट लव, तो आपको दिख जाएगा। 6.9 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 4 पे जो थीम है इसका लॉक स्क्रीन देखिए, एनिमेटेड है, इस तरह का आपको दिखेगा। क्लॉक विजेट चेंज है, आप चाहे तो बबल्स को इसको ऑफ कर सकते हो, स्टार लाइट ऑफ कर सकते हो, ये जो मीटियोराइड गिर रहा है इसको भी ऑफ कर सकते हो, और ये जो स्टार्स है इसको भी आप ब्लिंक अनब्लिंक कर सकते हो। इसमें एक आपको चार्जिंग एनिमेशन में दिखेगा, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। वॉलपेपर भी इसका काफ़ी क्यूट है, जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाते हो तो ये जो बलून है इस प्रकार से ब्लिंक होने लगता है और इस प्रकार से हिलने लगता है। आप नोटिस कीजिएगा, देखिए अभी बिना चार्जिंग पे कुछ इस तरह का, जैसे मैं पीछे चार्जिंग पे लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से ये शो करेगा। ये स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे भी आप अनलॉक करते हो, जैसे ही अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्लॉक विजेट इधर भी चेंज है। आइकॉन स्पैक की बात करें तो आपको आइकॉन स्पैक काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। कंट्रोल सेंटर किसी में चेंज होता है शायद, लेकिन मेरे में चेंज नहीं हुआ है। स्टेटस बार में थोड़े बहुत चेंजेस है, सेटिंग UI में भी ये वाला थीम में चेंजेस है आप देखोगे कुछ इस टाइप का। इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा ड्रीम कपल, सिंपल से नहीं लिखेगा तो आपको मिल जाएगा। 35.6 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 5 इसका लॉक स्क्रीन देखिए, इस तरह का आपको दिखेगा। कार्टून है एक्चुअली, बहुत ही क्यूट कपल है। क्लॉक विजेट चेंज है, आपको डेट दिखाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट है वाला थीम। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो होम स्क्रीन आपको सेम वॉलपेपर में दिखेगा। क्लॉक विजेट इसमें चेंज नहीं है होम स्क्रीन में। आइकॉन स्पैक इसमें आपको चेंजेस दिखेगा। और इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा कार्टून लव, तो आपको मिल जाएगा। 5.3 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 6 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस तरह से आपको बर्ड्स नज़र आएगा, कपल वाला बर्ड्स। क्लॉक विजेट चेंज है इधर, स्वाइप टू अनलॉक है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। क्लॉक विजेट उतना चेंज नहीं है। आइकॉन स्पैक इसमें आपको चेंजेस नज़र आएगा इस प्रकार से, ग्रे एंड वाइट कलर में आपको दिखेगा। अच्छा थीम है, सिंपल सा है। इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा क्यूट बर्ड्स, तो आपको मिल जाएगा। 4.8 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 7 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, कुछ इस टाइप का है। क्लॉक विजेट चेंज है, इधर आपको बर्ड्स नज़र आएगा। और स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको सेम वॉलपेपर दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर। क्लॉक विजेट चेंज नहीं है होम स्क्रीन में। आइकॉन से एक साथ चेंज है इधर आपको दिखेगा। और इस थीम का जो नाम है आपको पता लग गया होगा, इस थीम से आपको सर्च करना होगा लव बर्ड्स, तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा। 6.3 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 8 पे है ए वाला थीम,
इसका लॉक स्क्रीन देखिए, आपको डायनामिक इफेक्ट नज़र आएगा, यानी कि एनिमेटेड है। पीछे का जो क्लाउड है उस प्रकार से आपको जाती हुई नज़र आएगा, देखने में अच्छा लग रहा है। क्लॉक वगैरह चेंज है, वॉलपेपर भी बहुत ही खूबसूरत है, कपल जैसा आपको वाइब देगा। जैसे कि कपल स्पेशल थीम से है तो आपको तो कपल जैसा वाइब जरूर देगा। और इसमें एक और कमाल की बात है कि इसका आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखेगा, जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाओगे तो आपको कुछ इस टाइप का एक चार्जिंग एनिमेशन दिखेगा लॉक स्क्रीन में। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन में अलग वॉलपेपर दिखेगा। इधर आपको टेबल पे बैठे हुए नजर आएगा कपल्स। क्लॉक जो थोड़ा चेंज इस प्रकार से साइड वगैरह में हो जाता है। आइकॉन्स इसका मुझे बहुत ही पसंद आया है। आइकॉन्स आप देखोगे इस प्रकार से क्रेयॉन कलर में, इस प्रकार से ऐसा लगता है कि किसी ने स्केच किया है, जो कहते हैं ना क्रेयॉन बच्चे लोग किया है, उस तरह से बहुत ही पसंद आया मुझे इसका आइकॉन्स पैक। कंट्रोल सेंटर वगैरह चेंज हो सकता है, किसी किसी फ़ोन में मेरे में चेंज नहीं हुआ है। और स्टेटस बार में थोड़े बहुत चेंजेस है। और इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, लाइक यू सो मच, तो आपको दिख जाएगा। 26.2 MB का है, ये इसके ओनर है। नंबर 9 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए कुछ इस तरह का है। इसको मैंने इसीलिए आपको सजेस्ट किया है क्योंकि इसका जो वॉलपेपर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इसका स्पेशली आइकॉन्स पैक, क्लॉक वगैरह चेंज वगैरह नहीं है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन का सेम वॉलपेपर दिखेगा, क्लॉक वगैरह चेंज नहीं है। लेकिन इसका जो आइकॉन्स पैक है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, क्योंकि सिंपल वे में आइकॉन्स पैक बॉक्स स्टाइल में मुझे काफ़ी पसंद है, कुछ इस टाइप का है आप देख ही सकते हो। और इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा कपल, तो आपको दिख जाएगा। 6.6 MB का है, इसके ओनर है। एकदम सिंपल थीम है ये वाला। नंबर 10 पे है ए वाला थीम, इसका लॉक स्क्रीन देखिए इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर है। इधर आपको जो है डेट दिख जाएगा, नीचे क्लॉक विजेट है, मुझे बहुत ही पसंद आया इसका वॉलपेपर। ये स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। और इसका जो आइकॉन्स पैक है वॉलपेपर के साथ बहुत ही ज़्यादा शूट करता है, चेंजेस है सारे स्काई ब्लू कलर में। और इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा कपल आर्ट, तो आपको दिख जाएगा। 6.2 MB का है, ये इसके ओनर है। नंबर 11 पे है ए वाला थीम, इसका लॉक स्क्रीन देखिए आप कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्लॉक वगैरह चेंज है, कपल है इधर, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर है। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। क्लॉक वगैरह थोड़े बहुत चेंज है, आइकॉन्स पैक टोटली चेंज है, इधर से आप देख ही सकते हो। और इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा कपल पेंटिंग, तब को दिख जाएगा। 6.1 MB का है, ये इसके ओनर है। नंबर 12 पे है ए वाला थीम, इसका लॉक स्क्रीन देखिए। इधर आपको क्लॉक विजेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का दिखेगा, इधर आपको शो करता है वेदर। और स्टाइल तो बहुत ही मज़ेदार है, वॉलपेपर तो बहुत ही खूबसूरत है, कपल लोगों के लिए बहुत ही पसंद आएगा आपको। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। इधर भी आपको क्लॉक विजेट चेंज है, इधर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इधर आपको नाइट शो कर रहा है क्लॉक विजेट में, और इसमें भी आप लॉक स्क्रीन में देखोगे उसी तरह का ही है, लेकिन दोनों में है क्लॉक विजेट चेंज होने के कारण थोड़ा अलग लगता है देखने में, तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका आइकॉन्स पैक भी मुझे काफ़ी पसंद आया, कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। और इसका जो कंट्रोल सेंटर है इसमें चेंजेस नहीं है, सेटिंग यूआई की बात करें तो इधर भी चेंजेस नहीं है। इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा लव कैंप फायर, तो आपको दिख जाएगा। 7.3 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 13 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इधर आपको कपल नज़र आएगा चाय पीते हुए, जो है हिमालय या फिर कुछ पहाड़ी इलाके में, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इधर आपको क्लॉक वगैरह चेंज है, और इधर जो नीचे एक चीज़ है साथ लिखा हुआ है, ये आपका वीक डेज है वो काउंट करता रहता है। जैसे ही निकलेगा वीक डेज नेक्स्ट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज होते हुए 7 से 8, कुछ इस तरह का। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको सेम वॉलपेपर दिखेगा होम स्क्रीन में। आइकॉन्स पैकेज का चेंजेज है इस तरह का। इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा कपल कॉफ़ी, तो आपको दिख जाएगा। सॉरी, एक्चुअली कॉफ़ी पी रहा था। 4.9 MB का है, इसके ओनर है। नंबर 14 पे है ए वाला थीम, इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए। क्लॉक विजेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का है, इधर आपको 10:38 आपको बीच में, और इधर आपको फेब नज़र आएगा, जो है आपको देख ही सकते हो। स्वाइप टू अनलॉक है, उससे पहले बोलना चाहूँगा इसका जो वॉलपेपर है मुझे बहुत ही पसंद आया। क्लॉक विजेट तो बहुत ही यूनिक टाइप का है, स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन सेम वॉलपेपर में दिखेगा। क्लॉक विजेट इसमें चेंजेस नहीं है होम स्क्रीन का। आइकॉन्स पैक की बात करें तो इस कलर में आपको दिखेगा। इस थीम का नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा ट्रू रोमांस, तो आपको दिख जाएगा। 8.3 MB का है, इसके ओनर है। तो फ्रेंड्स, यही था वो 14 कपल स्पेशल हाइपर ओएस, यानी कि MIUI फ्री थीम्स, जो आपके किसी भी
Xiaomi, Redmi या फिर Poco फ़ोन में फ्रीली डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे MIUI या फिर HyperOS चलता हो।